हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल को छोड़कर जितने भी बिल होते हैं वो आपके साधारण विधेयक पर आते हैं, मींस ऑर्डिनरी बिल पर आते हैं। एंड ऑर्डिनरी बिल को आप सदन के किसी भी हाउस में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। एंड इस बिल को पास करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। इन 3 लेवल्स को पास करना पड़ता है, इन 3 लेवल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो गाइस, आइए इन 3 लेवल्स को अच्छे से समझते हैं। सो गाइस, फर्स्ट लेवल में क्या होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है उस ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर सदन, इट मींस हाउस की परमिशन से प्रेजेंट करते हैं। एंड यह बिल चार्टर के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। सेकंड लेवल की कंडीशन में सदन, इट मींस हाउस में बिल पर डिस्कशन होता है। एंड इस डिस्कशन के मतलब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है जनरल डिबेट ऑन द प्रोविज़न ऑफ बिल, इट मीन्स साधारण बहस होती है। एंड सेकंड ये है डिस्कशन ऑन क्लाउज एंड सब क्लाउज ऑफ बिल, इट मीन्स बिल के जो खंड और उपखंड होते हैं उस पर डिस्कशन होता है। सो गाइस, बेसिकली जनरली डिबेट तब होती है जो बिल को प्रेजेंट करने वाले प्रेजेंटेटिव होते हैं वो सदन के सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि इस बिल पर डिस्कशन किया जाए एंड इसे सबमिट किया जाए कंसिडरेशन ऑफ द सेलेक्ट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी के रिपोर्ट के बाद इस बिल के एक एक क्लाउज को अप टू द हिल्ट कंसीडर किया जाता है। एंड इसके दौरान इस पर अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं। देन आफ्टर डिस्कशन, इस डिस्कशन के बाद इस बिल पर वोट होता है, इट मींस बहुमत होती है। देन ये 3rd लेवल की तरफ जाता है। थर्ड लेवल में बिल मेनली फॉर्मल होता है एंड कोई इम्पॉर्टेंट चेंजेस नहीं होते। डिस्कशन के बाद यह पास कर दिया जाता है, इट मीन्स सदन में ये पारित कर दिया जाता है। फर्स्ट सदन से पास होने के बाद यह सेकंड सदन भेजा जाता है एंड सेकंड सदन में सेम लेवल्स रिपीट होते हैं। इट मीन्स जो भी फर्स्ट सदन में फर्स्ट लेवल देन सेकंड देन 3rd लेवल हुए हैं वही सेकंड सदन में सेम लेवल्स रिपीट होते हैं। इफ़ सेकेंड सदन भी बिल को यूनानिमसली पास कर देता है, इट मीन्स एक बहुमत से पास कर देता है, तो प्रेसिडेंट को ये भेजा जाता है। देन प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद यह बिल एक्ट बन जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ऑर्डिनरी बिल समझ में आ गया हो एंड ये वीडियो आपको पसंद आए, इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।